सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसकी रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम जूनागढ़ गुजरात के निकट स्थित देवी चंद्रभागा शक्तिपीठ की महिमा बताएंगे। यहाँ माँ के पेट का ऊपरी हिस्सा गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम त्राम ताम स्वाहा। 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 उन्नत भाल है विद्रूप विध्वंसमति मत मस्त गजसी चाल है। असुर गुरु शुक्राचार्य को मेद्रासुर का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा स्वागत है मेद्रासुर। गुरुदेव, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आप ही के कारण मुझे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पुनर्जीवन प्राप्ति के लिए ये तंत्र साधना वर्षों से यहाँ चल रही थी मेद्रासुर, और वर्षों के अथक परिश्रम के पश्चात मैं तुम्हारे मृत शरीर में चेतना लौटाने में सफल हुआ हूँ। किंतु किंतु क्या गुरुदेव? तुम्हारा ये नव जीवन अभी अस्थाई नहीं है, अभी तो एक निश्चित समय अवधि के लिए ही है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अर्थात कुछ समय पश्चात मेरी मृत्यु हो जाएगी? तो नहीं गुरुदेव, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ? इससे तो अच्छा मैं मृत ही था। निराशा के सागर में डूबा व्यक्ति जीते जी मरा हुआ होता है मेद्रासुर, और आशा की एक बूंद समस्त संसार को हरा भरा करने का सामर्थ्य रखती है। गुरुदेव, मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ। तात्पर्य यह है मेद्रासुर, कि तुम्हारे पास चिरकाल तक जीवित रहने का केवल एक अवसर है। यदि कल प्रातःकाल से पूर्व तुम्हारा वो अधूरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाता है जो वर्षों पहले वक्रतुंड भैरव के कारण पूरा न हो सका था, तो तुम्हारा जीवन स्थायी हो जाएगा और तुम समस्त संसार पर अनंत काल तक राज करोगे। किंतु यदि वो कार्य पूर्ण न हो सका, तो तुम्हारा शरीर पुनः हिमकुंड में परिवर्तित हो जाएगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे पास अब केवल एक दिन का समय है, केवल एक दिन का। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आदिनाथ, बंद करो अपने इस भक्ति के प्रलाप को। Thank you.
संसार में पूज्य के अधिकारी केवल वही है जो शक्तिशाली है। मेरी पूजा करो इस पत्थर की नहीं। कल प्रातः काल से पहले इस माता चंद्रभागा की मूर्ति को विस्थापित कर दो और यहां पर मेरी मूर्ति स्थापित करो। ये क्या अनर्गल बातें कर रहे हो? ऐसा कदापि संभव नहीं है। ये अनर्गल बातें नहीं, आदेश है मेरा और ऐसा करना संभव है। मैं जानता हूं ये कार्य केवल तुम कर सकते हो साधु आदिनाथ, क्योंकि तुमने ही शक्तिपीठ को खोजा और स्थापित किया है। तुम्हारे सिवाय और कोई इसे हिला भी नहीं सकता। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो तुम वही असुर सम्राट मेद्रासुर हो जो आज से 10 वर्ष पूर्व इस शक्तिपीठ के विखंडन के लिए आए थे और माता चंद्रभागा के रक्षक वक्रातुंड भैरव के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मैं वही असुरराज मेद्रासुर हूं, मृत्यु की खाई को लांघ कर आ गया हूं अपना अधूरा लक्ष्य पूरा करने के लिए। अब मेरे आदेश का पालन करो, स्थापित कर दो इस शक्तिपीठ को और आरंभ करो मेरी पूजा। दुष्ट, तुम तो सम्मान देने के योग्य भी नहीं हो। अरे पूजा तो बहुत दूर की बात है, माता चंद्रभागा की भक्ति के समक्ष तुम्हारी सर्वशक्तियां व्यर्थ। यदि अपना कुशल चाहते हो तो शीघ्र ही यहां से चले जाओ। मूर्ख साधु, मैं तुझे अभी अपनी शक्ति दिखाता हूं। असुरराज मेद्रासुर, जितना चकित तुम मुझे देखकर हो उतना ही चकित मैं भी तुम्हें देखकर। इस कारण नहीं कि तुम पुनः जीवित हो गए, अभी तो इस कारण कि जिस अपराध का दंड मैंने तुम्हें 10 वर्ष पूर्व दिया था, तुम जीवित होते ही पुनः वही भूल करने जा रहे हो। करने नहीं, मैं प्रतिशोध लेने आया हूं। वक्रतुंड भैरव, मैं नाम मिटा दूंगा इस संसार से तुम्हारी मां चंद्रभागा का, और ना उसके भक्त बचेंगे और ना इनकी भक्ति, और तुम बनोगे मेरे दास। चंद्रभागा देवियाई नमः। ओम चंद्रभागा देवीय नमः।
ओम चंद्रभागा। ये मेत्रासुर साधु आदिनाथ को कहां ले गया? नारायण नारायण माता चंद्रभागा, ये दुष्ट असुर तो 10 वर्ष पूर्व के भांति आपके शक्तिपीठ पर संकट बनकर खड़ा हो गया है। मृत्यु जैसे कठोर दंड पाने के पश्चात भी इसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया माते। व्यक्ति अपना व्यवहार बदल सकता है किंतु स्वभाव नहीं। मुनिवर, मेद्रासुर जो कर रहा है अपनी आसुरी प्रवृत्ति के अनुकूल ही कर रहा है। उसके मन की कलुषता अब भी वैसी ही है जैसी 10 वर्षों पूर्व थी। किंतु आपके भक्त साधु आदिनाथ की मुक्ति कैसे होगी माते? ये दुष्ट अपने प्रतिशोध की अग्नि में उनका कुछ अहित ना कर दे। प्रतिशोध की अग्नि सर्वप्रथम व्यक्ति के विवेक को भस्म करती है देवराज। मेद्रासुर अपनी तंत्र शक्ति से मेरे भक्त आदिनाथ को अवश्य ही प्रताड़ित करेगा, किंतु वक्रतुंड भैरव को शीघ्र ही उन्हें ढूंढ कर उनके प्राणों की रक्षा करनी होगी। बोलो आदिनाथ, कल प्रातः काल से पूर्व माता चंद्रभागा के शक्ति पीठ को विस्थापित करोगे या नहीं? माता के स्थान पर मेरी पूजा करोगे कि नहीं? बोलो। कदापि नहीं। सोच लो आदिनाथ, अन्यथा सदा सदा के लिए तुम इसी रूप में रह जाओगे। शरीर चाहे कोई भी हो, मैं अपनी भक्ति के मार्ग पर अडिग हूँ। माता की भक्ति के लिए शरीर की नहीं भाव की आवश्यकता होती है। अच्छा, अडिग हो, फिर तो तुम्हें तुम्हारे शरीर का भी कोई मोह नहीं होगा। मैं अभी तुम्हारे शरीर के अंगों को एक एक करके काटता हूं और फिर देखता हूं कि तेरी माता तुझे कैसे बचाती है। दोस्त, एक निरपराध पर अत्याचार करना चाहते हो, किंतु माता चंद्रभागा की रक्षा के रहते हुए तुम उसके भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वक्रतुंड भैरव, इस बार तुम मेरी शक्ति से नहीं बचोगे। तुम्हारा वध करके मैं अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। वध कर दो इस भैरव का। वक्रतुंड भैरव, तुम मुझे इस तरह पराजित नहीं कर सकते। यदि कल सुबह तक मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। वक्रतुंड भैरव, मैं तुम्हें इस प्रकार असुर राज मेद्रासुर का अपमान करके जाने नहीं दूंगा।
अब मैं तुम्हें असुर राज मिद्रासुर के पास लेकर चलता हूँ, वही तुम्हें तुम्हारे अपराधों का उचित दंड देंगे। वक्रतुंड भैरव इस असुर के पास में फंस गए हैं। हमें उनकी सहायता करनी होगी, किंतु कैसे? सुनिए, कौन हो तुम सुंदरी और मुझसे क्या चाहती हो? मैं एक ऋषि कन्या हूँ। मैंने देखा आपने किस प्रकार अपने बल से कुछ ही क्षणों में वक्रतुंड भैरव को पराजित कर उन्हें अपना बंदी बना लिया। आप जैसा शक्तिशाली पुरुष इस संसार में कोई नहीं। निसंदेह मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष हूँ। तुम्हारा आकलन सर्वथा उचित है। आपके बल और वीरता से मैं मोहित हो गई हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अवश्य, मुझे तुम्हारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है सुंदरी। शुभ कार्य में देरी कैसी? चलिए असुरश्रेष्ठ, हम अभी विवाह कर लेते हैं। तुम विवाह की तैयारी शुरू करो। मैं इस वक्रतुंड भैरव को असुर राज मिद्रासुर के पास छोड़कर शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। उचित है, आपको पहले अपना कर्तव्य ही पूरा करना चाहिए। किंतु जाने से पहले एक बार मेरे पिताश्री से मिल लीजिए, ताकि वो विवाह का प्रबंध आरंभ कर दें। उचित है, किंतु मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता। मेरे पिताश्री उस कुटिया में रहते हैं। आप अंदर जाकर उनके समक्ष मेरी विवाह का प्रस्ताव रखिए। आप जैसे ओजवान जमाता का प्रस्ताव वो कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे। अरे रुकिए, बुरा मत मानिएगा, आप मेरे पिताश्री से पहली बार मिलने जा रहे हैं। उनके समक्ष इस बंदी भैरव को ले जाना कदाचित उचित नहीं होगा। किंतु मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता। ये आपके पास में ही तो बंधा हुआ है, इसे यहीं छोड़ दीजिए, ये कहीं नहीं जाएगा। ये उचित रहेगा। सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवराज। वक्रतुंड भैरव आप शीघ्र जाइए और भक्त आदिनाथ की रक्षा कीजिए। वो रहा लोहे का गोला। माता चंद्रभागा, वक्रतुंड भैरव तो पुनः असुरों के माया जाल में फंस गए हैं। नारायण नारायण। हाँ माते, और दूसरी ओर आपके भक्त साधु आदिनाथ के प्राण भी अत्यधिक संकट में हैं। अब क्या होगा माते? देवगणों, ये वक्रतुंड भैरव के परीक्षा की घड़ी है। इन समस्याओं का समाधान अब उन्हें स्वयं ही निकालना होगा। तुम्हारा अंत निकट आ गया है। कल प्रातः काल से पूर्व मैं तुम्हारा वध करके अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊंगा। अधर्मी, तुम पाप कर रहे हो। चुप रहो,
तुम्हारा भी इसी वक्त वध कर देता मैं, पर माता के शक्ति पीठ को केवल तुम ही विस्थापित कर सकते हो, इसलिए अभी तक जीवित हो। दोस्त, माता की शक्तियों के समक्ष तुम एक क्षण भी नहीं ठहर पाओगे, तुम अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो पाओगे। आज तुम्हारा वध करते ही वरकतुंड भैरव मेरी अर्ध विजय हो जाएगी और तुम्हारे पश्चात माता चंद्रभागा की शक्ति पीठ को नष्ट करने से कौन रोकेगा मुझे? ओम रेम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा। प्रणाम असुर राज मेहद्रासुर। तैयार हो जाओ विरलासुर, तुम्हें इसी क्षण वक्रतुंड भैरव का नाश करना है। इसे साथ लेकर पुनः इसी अग्नि कुंड में प्रवेश करो। वक्रतुंड भैरव, तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है। ओम चंद्रभागा देवी नमः। ओम चंद्रभागा देवी नमः। दोस्त, तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, अंत मेरा नहीं तुम्हारा होगा। ये कैसे संभव है? दोस्त, कहा था ना मैंने, माता की शक्ति के समक्ष मेरी शक्तियां तुच्छ हैं। आप तुरंत शक्तिपीठ पहुंचिए, मैं इस दुष्ट का पीछा करता हूं। हे अग्निदेव, आपका आभार। आपने अग्नि कुंड में अपनी ऊष्मता को नियंत्रित कर भैरव की रक्षा की। किंतु माते, जब तक ये मेद्रासुर जीवित है तब तक आपके शक्ति पीठ पर आया संकट टला नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं देवराज, मेद्रासुर की महत्वाकांक्षा उसे वो सब कुछ करने को प्रेरित कर रही है जो मानवता के विरुद्ध है। इससे पहले कि वो कोई और संकट उत्पन्न करे, भैरव को उसके कर्मों का दंड उसे देना ही होगा। सावधान, ये किसी अनिष्ट के संकेत मिले हैं। इस पावन स्थान पर किसी अपवित्र आत्मा का प्रवेश हुआ है, हमें अपने बीच में से उसे ढूंढकर यहां से निष्कासित करना होगा, अन्यथा हमारी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मैं अभी उस दुष्ट आत्मा को खोजता हूं जिसके हृदय में भक्ति के स्थान पर द्वेष और पाप है। जाओ,
और उस आत्मा को यहाँ से ढूंढ के बाहर ले जाओ। यदि मैंने सर्प को मारने का प्रयास किया तो ये तपस्वी मुझे श्राप दे देंगे। गुफा के द्वार पर वक्रतुंड भैरव खड़ा है, भाग भी नहीं सकता, क्या करूं? अति उत्तम मेरे सैनिकों, अति उत्तम। रकातुन भैरव, तुम कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मैं अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। नहीं मेद्रासुर, इससे पूर्व कि तुम शक्तिपीठ को कोई भी हानि पहुंचाओ, मैं तुम्हें पुनः मृत्यु के घाट उतार दूंगा। वक्रतुंड भैरव, मेरे रहते तुम असुरराज मिद्रासुर को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। बहुत ही बलहीन निकले भैरव, ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे मारने का सामर्थ्य तुम में नहीं है। ओम चंद्रभागा देवियाई नमः। तुम जैसा पापी अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता, मैं अभी इसी क्षण तुम्हारा वध करता हूं। माता चंद्रभागा, दुष्ट मेद्रासुर अपनी माया के बल पर पुनः अपनी मृत्यु को चकमा देने में सफल हो गया। नारायण नारायण, उचित कह रहे हैं आप देवराज इंद्र। माता, मृत्यु के पाश से तो ये दुष्ट असुर बच गया है, किंतु वक्रतुंड भैरव के हाथों मिली पराजय ने इसके क्रोध की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर दिया है, और चोट खाया हुआ जीव अत्यधिक घातक होता है। आपका कथन पूर्णतः सत्य है देवऋषि। अहंकारी मनुष्य अपनी शक्ति को ही अपनी बुद्धि मानने लगता है, और ऐसा मनुष्य अपने स्वार्थ और अहम की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। वक्रतुंड भैरव को अब और सचेत रहना होगा, क्योंकि मेद्रासुर इस समय एक घायल सर्प की भांति आक्रमण करने की योजना बना रहा है। मुझे शीघ्र माता के शक्तिपीठ पर पहुंचना होगा, कहीं दुष्ट मेद्रासुर वहां आक्रमण ना करते हैं। बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। आदिनाथ, आप यहां इस दशा में, आपको यहां बंदी किसने बनाया है? हे भैरव, मैं आपके कहे अनुसार माता चंद्रभागा की शक्तिपीठ की ओर जा रहा था, तभी असुरराज मेद्रासुर के सैनिकों ने मुझे यहां बंदी बना लिया और यहां बांधकर उसे ही बुलाने गए। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। देवक तुंड भैरव, मुझे मुक्त करिए, मुझे मुक्त करिए भैरव।
ये मेरी शक्तियों का मणिकर्णिका पाश है व्रकातुंड भैरव, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा वध करूंगा। ये क्या माते, वक्रतुंड भैरव का जीवन तो घोर संकट में पड़ गया है। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में भैरव अपना धर्म निभा रहे, परिणाम क्या होगा ये तो केवल नियति ही जानती है। मेरी साधना पूर्ण हुई वक्रतुंड भैरव, अब मैं अपनी शक्ति से इस गुफा का तापमान इतना शीतल कर दूंगा कि तुम एक हेमवंश में परिवर्तित होके सदा सदा के लिए यहीं रह जाओगे, और मैं माता चंद्रभागा के शक्ति पीठ को विस्थापित करके समस्त संसार को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य कर दूंगा। दोस्त, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। अब कुछ ही क्षणों में तुम हिम अंश बन जाओगे वक्रतुंड भैरव, रोक सको तो रोक लो। मैं जा रहा हूं। हे अग्निदेव, सहायता कीजिए, प्रकट होइए। वक्रतुंड भैरव, इस गुफा का तापमान इतना कम है कि मेरी शक्ति प्रज्वलित नहीं हो पा रही। हे माता चंद्रभागा, दुष्ट मेद्रासुर को परास्त करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करना। रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। मेद्रासुर को कोई परास्त नहीं कर सकता आदिनाथ। पाखंडी और शक्तिहीन है तुम्हारी ये चंद्रभागा माता, ना तो ये वक्रतुंड भैरव की रक्षा कर सकती है और ना ही अपने शक्ति पीठ की। माता भैरव की रक्षा नहीं कर सकी, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? क्या किया तूने वक्रतुंड भैरव के साथ? अपनी शक्ति से उसे हिमवंश बनाकर हिम गुफा में सदा के लिए बंदी बना दिया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है आदिनाथ, यही सत्य है। अब प्रातः काल से पूर्व इस शक्ति पीठ को विस्थापित करके मेरी पूजा करने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है आदिनाथ। माता का ये शक्ति पीठ यहाँ से कभी विस्थापित नहीं होगा, और ना ही मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। मूर्ख, मेरा अपमान करने का दुस्साहस करता है तू, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। माता के भक्तों की सहायता करने वालों के संसार में कोई कमी नहीं है मेद्रासुर। हे सूर्यदेव, सहायता कीजिए।
तुम्हारा दुर्भाग्य है मेद्रासुर कि तुम माता की शक्ति और उनके पराक्रम को समझ नहीं पाए। अपनी माता की शक्ति का गुणगान बंद करो वक्रतुंड भैरव। मेरी शक्ति से तो तुम बच गए परंतु अब तुम जीवित नहीं बचोगे। नारायण नारायण। ये क्या माते, आपके भक्त साधु आदिनाथ के प्राण तो पुनः संकट में आ गए हैं माते, अब क्या होगा? देवऋषि, इस कार्य में आपको वक्रतुंड भैरव की सहायता करनी होगी। नारायण नारायण, जैसे आपकी आज्ञा माते। देवऋषि नारद ने कहा था कि मेद्रासुर ने आदिनाथ को इसी गुफा में बंदी बनाया है। मुझे शीघ्र ही अंदर जाना होगा। साधु आदिनाथ, मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूं। बोलो, मेरी भक्ति करोगे कि नहीं? माता के शक्ति पीठ को विस्थापित करोगे कि नहीं? बोलो। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे कितने भी यातनाएं क्यों ना दो, मेरा उत्तर सदैव एक ही रहेगा। माता चंद्रभागा का शक्ति पीठ अपने स्थान पर ही स्थापित रहेगा। मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक माता की भक्ति से त्याग नहीं करूंगा। अच्छा तो फिर देखो मैं तुम्हारी क्या दशा करता हूं। ऐ शक्तिपुंज, इस साधु की शुद्धा को मेरा बंधक बना दीजिए। नहीं, आदिनाथ, अब तुम्हारी शुद्धा मेरी बंधक है। अब ना तुम्हें भूख लगेगी और ना ही तुम भोजन करोगे। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा हर क्षण कम होती जाएगी। तुम्हारा शरीर शक्ति विहीन होता जाएगा और अंततः तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। माते, ये तो भयानक संकट उत्पन्न हो गया है। भक्त आदिनाथ के शरीर की ऊर्जा तो प्रति क्षण क्षीण होती जा रही है। शरीर को ऊर्जा भोजन से ही मिलती है, किंतु मेदासुर ने इनकी भूख को बंधक बना लिया है। इसी कारण ये भोजन नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार बिना भोजन किए आदिनाथ का जीवित रहना असंभव है। वक्रतुंड भैरव को शीघ्र ही इस संकट का कोई समाधान ढूंढा होगा। चंद्रभागा देवी नमः।
लीजिए आदिनाथ, आपके लिए भोजन लाया हूं, कुछ तो ग्रहण कीजिए। प्रणाम वक्रतुंड भैरव। हे भैरवनाथ, आपको इनकी सुधा को पुनः इनके शरीर में लौटाना होगा, अन्यथा शने शने ये इसी प्रकार शक्तिहीन होते जाएंगे। किंतु देवऋषि, इनकी सुधा को वापस लाने का कोई तो उपाय होगा। नारायण नारायण, एक उपाय है भैरवनाथ, और वो उपाय ये है कि आपको मध्य रात्रि से पूर्व स्वर्ण पर्वत पर जाकर वर्ष में एक बार खिलने वाले एकमात्र पुष्प नील पुष्प को लाना होगा, और तभी तभी इनकी सुधा को पुनः इनके शरीर में लौटाया जा सकता है और इनके प्राण बचाए जा सकते हैं, अन्यथा इनकी मृत्यु निश्चित है। मुझे शीघ्र ही वो नील पुष्प प्राप्त करना होगा। ये नील पुष्प मेरा भोजन है, इसे तुम नहीं ले जा सकते, इसे मैं खाऊंगा।